जवाहर जी बैठे हैं जिनको लेकर आशा नहीं, मुझे लगता है पूर्ण विश्वास है जवाहर जी, क्योंकि पूरे ईस्टर्न राजस्थान जवाहर बेडम वो नाम है जो पूरे ईस्टर्न राजस्थान में मंत्री बनने से संदेश जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब लोग बहुत मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे से पूरी मेहनत करके ऊपर तक पहुंचता है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को देखिए आप, एक मंडल के युवा मोर्चे के अध्यक्ष से लेकर के वो प्रदेश के मुखिया की सीट पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसको लेकर के काम कर रही है। और पूर्वी राजस्थान क्यों, पूरे राजस्थान को नंबर वन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। देखिए जवाहर जी, पूरे गुजर समाज, आप गुजर समाज के उस मूवमेंट के साक्षी रहे जिसने प्रचंड आंदोलन किया, उसमें अग्रिम भूमिका जवाहर बेडम की रही। तो ऐसे में एक जवाहर बेडम का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, गुजर समाज के लिए त्याग बलिदान के लिए भी आपका नाम जाना जाता रहा। देखिए योगेश जी, उसका मैं ही में साक्षी नहीं हूँ, उस आंदोलन के आप भी साक्षी हैं। आपने बिल्कुल छोटे से शायद भास्कर टीवी में उस समय आप शुरुआत की थी, आपने जो भास्कर टीवी में, मैं जो कह रहा हूँ उसे कह रहा हूँ, भास्कर टीवी में आपकी शुरुआत हुई थी जब चोपड़ा कमीशन खासा कोठी में था और हम और आप मिला करते थे। निश्चित रूप से हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और अब भी काम कर रहे हैं। आगे भी जो पार्टी जिम्मेदारी जब जब भी देती है उसको बखूबी निभाने का काम करते हैं। मंत्रिमंडल की कोई आधिकारिक सूचना हमारे पास तो अभी तक है नहीं। हम तो पार्टी कार्यालय रूटीन में रोजाना जैसे आते हैं ऐसे आज भी आए। कल मैं किसी काम से जयपुर आया था, आज मैं निकल रहा था क्षेत्र में, तो मैं सोचूं कि पार्टी कार्यालय हमारा मंदिर है और इस मंदिर को ढोक लगाएं या नेताओं को प्रणाम करें, इनसे निर्देश लेकर के, क्योंकि हमारे विश्वकर्मा योजना जो चल रही है, गरीबों को, पिछड़ों को, जो दस्तकार हैं उनको माननीय मोदी जी ने लाभान्वित करने के बहुत बड़े स्तर पर योजना लागू की है, उसको धरातल पर पहुंचा करके आम व्यक्ति को लाभान्वित करने का जो हमारा योजना है उसके संपर्क में हम निकलेंगे। अभी भीतर जा रहे हैं जवाहर जी, पूरे आपको ध्यान दिए कि गुजर कम्युनिटी का जबरदस्त साथ इस बार सरकार बनाने में रहा है। देखिए, गुजर समाज ही नहीं, सब समाज मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। हाँ, विशेषकर मैं उस कौम से आता हूँ, गुजर समाज के लोगों ने अब की बार इतिहास रचा है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी इतिहास रचा था और आगामी दिनों में भी इतिहास रचेगा गुजर समाज। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने कहा ना, माला श्री में भगवान देवनारायण जी का अवतरण कमल के फूल से हुआ है। उनके 1111वें जन्मोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे और वहाँ जो उन्होंने कहा कि हम भी कमल वाले हैं और आप भी कमल वाले हैं, तो निश्चित रूप से भगवान देवनारायण के वंशज तो अब कमल को थाम लिया, अब छोड़ने वाले नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम शुभकामनाएं आपको। और देख सकते हैं आपकी जवाहर बेडम जी, क्योंकि एक उम्मीद इनके नाम को लेकर बहुत गंभीरता के साथ है, तो मुझे कहा जा सकता है कि इनाम भी हमारे सामने आएगा जी।